अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम, आपका खैर मकदम है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बशीर अहमद बशीर साहब हमारे फ्रूट मंडी के सदर है। पहले हम इन्हें मुबारकबाद देना चाहेंगे कि जिस बात की तमन्ना इंसान करता है कि हज बैतुल्लाह की जियारत करें, तो अल्लाह का फजल और करम है कि बशीर साहब ने ये फरीजा अंजाम दिया। भाई साहब, आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इससे बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में जिसकी तमन्ना इंसान करे। और अल्लाह ताला ने भी नसीब वालों को ही उस जमीन पे पहुंचना उनके तकदीर में लिखा होता है, ये बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, इसके बाद हम आपको बताते चले कि वादी कश्मीर में मौसमी हालात जो है, कौन सा रुख किया मौसमी हालात ने यहाँ पे इख्तियार। शिद्दत की गर्मी देखी जा सकती है, और ऐसे में हमारे फ्रूट ग्रोवर्स या हमारे किसान भाई जो है, काफी परेशानियों का सामना हुआ उन्हें इस साल, तो इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं? क्योंकि बशीर साहब माहिर है और पूरे साल पे इनकी निगाह होती है कि किस कदर धूप की जरूरत थी और किस कदर बारिश की जरूरत थी। तो हम इनसे थोड़ी सी इस बारे में बात करेंगे कि भाई साहब, जो शिद्दत की धूप इस साल आपने महसूस की, तो क्या लगता है कि क्या इसके नताइज कोई बरक्स तो नहीं आ सकते हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं और दुआ कर दूं अल्लाह ताला से कि आपको भी हज नसीब हो। आमीन। अपने औलियान फरसों में आपको बुलाए वापस पाक सरजमीन में। तो जो आपने सवाल किया खुशकसाली का, वो जो ये गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आज तक हमने इतना मौसम गर्म नहीं देखा कश्मीर में। 36 ऑफिशियली गया, कुछ कहते हैं प्राइवेट तौर के 38 तक भी गया। तो इसका सबसे ज्यादा बुरा असर जो पड़ता है तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि अभी पिछले साल इन दिनों हमारा गालामस जो एक वरायटी हमारी हाइड्रेंसी की, वो चालू हो गई थी, तो उसमें अभी कलर नहीं है। वजह यही है कि बारिशा नहीं हो रही है और गर्मी शिद्दत से ज्यादा है। इसका असर ये पड़ेगा कि एक तो हमारे जो प्रोडक्ट है हमारा एप्पल का या हमारी दूसरी वराइटीज है, एक तो उसमें कलर की कमी आएगी और साइज शायद नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से, हमने भी दुआएं मांगी, लोगों ने भी दुआएं मांगी, हर एक यही दुआ करता अल्लाह ताला की अल्लाह के दस्त कुदरत में कि यहाँ बारिश हो, तो इसकी ताकि यहाँ जो हमारा मार्जिनल ग्रोअर्स है, कश्मीर फ्रूट इंडस्ट्री जो है, ये मार्जिनल ग्रोअर्स पर डिपेंड है। उनका सारा बजट जो है साल भर की सिर्फ डिपेंड करता है इसी पर, क्योंकि यहाँ सरकारी नौकरियां भी नहीं है, यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, एक ही वाहिद सेक्टर है जिसके साथ यहाँ लगभग सारी की सारी आबादी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वापस ना है। तो दुआ करें अल्लाह ताला से कि हमारे जो मुश्किल है ये दूर फरमाएं और यहाँ बारिशा हो, ताकि हमारा माल उसकी सही बन पाए और उसमें कलर आए, साइज बने, और इस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए न ज्यादा गर्मी होनी चाहिए और न ज्यादा बारिश होनी चाहिए। तो ये अल्लाह के दस्त कुदरत में है। तो अल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ये मुश्किल से नजात दिलाए। अलबत्त ये हम कह सकेंगे इसके बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। आपको जैसे भी पता है कि पिछले साल हालांकि रनिंग सीजन जो था उसमें रेट्स बहुत अच्छे थे, फिर लास्ट में इतनी मंदगी आ गई फ्रूट में, जो हमारे माल सी एस स्टोर में था, चाहे हमारे फ्रूट ग्रोवर्स का था, चाहे ट्रेडर्स का था, सी एस स्टोर मालिकों का था, उसमें बेतहाशा नुकसान से दो चार होना पड़ा। अभी तक वो नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि चंद दिन पहले तक यहाँ से इस वजह से कि इसकी डिमांड बहुत कम थी वहाँ मार्केटिंग में, तो वो नुकसान ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। अगर ये और नुकसान हो जाएंगे जो खुशकसाली के असरात हैं, तो इसके फिर बुरे असरात हमारे आर्टिकल पर पड़ेंगे। इसके लिए हमने बारहा गवर्नमेंट से इस्तदा की थी, यहाँ हमें क्लाइमेट चेंज हो गया, यहाँ झालाबारी भी होती है, यहाँ बारिशा नहीं हो रही, तो हमें क्रॉप इंश्योरेंस की अच्छा जरूरत है। आपने भी कल सुना होगा शुपियन का जो बहुत बढ़िया माल वहाँ क्वालिटी के लिहाज से माना जाता है, वहाँ जबरदस्त झालाबारी हुई, 15-20 मिनट लगातार झालाबारी हुई, और वहाँ का जो क्रॉप है 70-80% 50-80% करीब नुकसान आते, अभी तक हमारे पास इतला थे डैमेज हो गया। तो अगर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो आज से कई साल पहले गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया था, बल्कि उसके बाद हम एलजी साहब से भी मिले थे, उसने 3 साल पहले की बात है, उसने कहा था इसी साल इसको चालू लागू करेंगे,
उसके बाद ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी आए, ऑनरेबल मरकजी एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी आए, हमने उनसे भी इस तरह की यहाँ अशद जो बने क्रॉप इंश्योरेंस की, तो अभी तक उसका कोई अमली इकदाम नहीं उठाए गए, हालांकि उसके जम्मू में इसका इम्प्लीमेंट किया गया जहाँ हार्टिकल सेक्टर न होने के बराबर है। तो ये नुकसान है, अल्लाह करे कि हमारे पर हम फरमाएं, तो हम यही कह सकते हैं बातें गवर्नमेंट की तरफ से जो रोल उनका बनता है कि क्रॉप इंश्योरेंस दे, ताकि यहाँ का जो ग्रोवर है मार्जिनल ग्रोवर्स उनको थोड़ा सा उसमें से कुछ फायदा मिल सके, या उनको यही यकीन हो जाएगा खुदा न खासा हमारे बागों में सिके बागों में ज्यादा बारी हुई या कुछ खिलाड़ी के असरात होंगे, तो हमें किसी तरीके से दूसरे तरीके से मदद मिलेगी। एक जानिब से आप खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि मुसलसल कड़ी धूप की वजह से, बारिश न होने की वजह से नुकसान से दो चार होना पड़ेगा अगर यही सूरत हाल रही। दूसरी जानिब से एक और यहाँ से हम कह सकते हैं कि आप बांग्लादेश की सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारी वैरायटीज बांग्लादेश की जाया करती थी, तो क्या बुरे असरात जो हालात है बांग्लादेश में हम पे भी क्या उसका असर पड़ेगा? इस सिलसिले में मेरी गुजारिश अर्ज है कि चूंकि अभी हमारा जो असली वैरायटी वहां जा रही है अमेरिकन एप्पल उसको कहते हैं, उसमें थोड़ा टाइम है, अलबत्ता जो हमारी अर्ली वैरायटी इंजन 5-6 गाड़ियां हफ्ते में 10 गाड़ियां भी जाती थी, तो उस पर असर बढ़ गया है क्योंकि वहां जो वायलेंस वहां जो अनरेस्ट है उसकी वजह से हमें उनको डाइवर्ट करना पड़ा दूसरे अपने मुल्क में कुछ दूसरे शहरों में, और उसमें बार बार नुकसान तो हो ही जाएगा। अलबत्त अगर ये अनरेस्ट वहां ज्यादा देर चलता रहा तो उसके भी बुरे असर पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो एप्पल की खासी मकदार जो हमारे नॉर्थ कश्मीर में उसकी ज्यादा पैदावार है अमेरिकन एप्पल की, तो उसकी जो एक क्वालिटी एक ग्रेड है उसमें अच्छे रेट भी मिलते हैं, वो बांग्लादेश या नेपाल उसकी खपत है, वहाँ डिमांड भी होती है अच्छी खासी डिमांड, और अच्छे माशाल्लाह अच्छे रेट भी मिल रहे थे। अगर वहाँ अनरेस्ट की वजह से वहाँ माल नहीं जा सका उसके भी बुरे असर पड़ेंगे, फिर होल हार्टिकल सेक्टर के पर वो माल अगर वहां नहीं जा सको तो फिर हमें अपने मुल्क में भेजना पड़ा, तो हमारे दूसरी वैरायटीज की भी उसे असर अंदाज होगी। हम दो हालांकि अल्लाह का कर्म है भी उन हमारा करीब 20-25 दिन है अमेरिकन एप्पल आने में, जो हमारी असली वैरायटी जो जानी है जिसमें करीब 20-25-30 ट्रक डेली जाती है यहाँ से, तो वो बहुत बढ़िया माल भी होता है, बहुत अलग क्वालिटी के माल भी होते हैं, शायद तब तक वहाँ हालात सुधर पाए ताकि हम और नुकसान से दो चार न हो। बहरहाल बशीर साहब हम शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन आखिर पे एक और सवाल करना चाहेंगे जो मेरे जहन में आया, अगर इसी तरह की सूरत हाल रही कि इसी तरह की कड़ी धूप रही तो बारिशें ना हुई तो क्या हो सकता है हमारी क्रॉप्स का? क्रॉप्स का एक तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, दूसरी बात उसके रेटर्स नहीं मिले, जब तक माल में कलर नहीं होगा उसके रेट बाजार में कलर मांगता है, प्रेजेंटेशन मांगता है, तो कलर जब नहीं होगा तो लिहाजा उसमें जूस भी नहीं बन पाएगा, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान होने के अंदेशे। अल्लाह करे ऐसा न हो कि हमारे यहाँ बारिश अभी भी थोड़ा सा अगर 8-10-15 दिन में भी बारिश हुई शायद मुमकिन है किसी हद तक, हालांकि बहुत सारे नुकसान तो हो गए खिलाड़ी की वजह से, कड़ी धूप की वजह से, सख्त धूप होने की वजह से शायद उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमी हो जाए अगर बारिश हो। बहरहाल हम अल्लाह तआला से यही दुआ करेंगे। हम आपको भी मालूम है कि कल जिले बारामूला के सोपोर इलाके से तमाम लोग निकले थे, अल्लाह तआला से दुआएं कर रहे थे, हम भी चाहते हैं कि इन दुआओं का एहतमाम हो ताकि हम अल्लाह तआला को मना सकें। हम पहले ही बहुत सारा नुकसान उठा चुके हैं, मजीद नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वही ये हमारा मसला हल कर सकते हैं, कि और कोई इंसान की इसके बस की बात नहीं है कि यहाँ बारिश हो और ऐसी बारिश हो जो हमारे लिए मौजूद हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।